तहसील समाधान दिवस में जिलाधिकारी ने सुनी लोगों की समस्याएं। लोगों की समस्या का निदान कराने के उद्देश्य से लगातार सरकार द्वारा तहसील स्तर पर एक विशेष जन समस्या सुनने के लिए समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है। उसी प्रकार आज टहरौली में तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम विभागों की शिकायतें सामने आई। पूरा आयोजन जिले के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। आज तहसील टहरौली में समाधान दिवस का आयोजन जिलाधिकारी झांसी रविंद्र कुमार की अध्यक्षता एवं उप जिलाधिकारी इंद्रकांत द्विवेदी, थाना प्रभारी श्वेता कुमारी में की अध्यक्षता में हुआ। तहसील समाधान दिवस पर आए कुल 110 प्रार्थना पत्रों में मौके पर 4 ही शिकायतों का निराकरण हुआ। सबसे ज्यादा राजस्व विभाग के 53 प्रार्थना पत्र, पुलिस विभाग के 8, विकास से संबंधित 12 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, विद्युत विभाग से 8, पूर्ति विभाग से 3, जल निगम विभाग से 2, शिक्षा विभाग से 3 तथा शेष प्रार्थना पत्र अन्य विभागों से रहे। राजस्व विभाग से अधिक सर्वाधिक प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर जिला अधिकारी झांसी ने लेखपालों से वार्ता करते हुए बताया कि अवैध कब्जा करने वाले लोगों को सख्ती दिखाते हुए कब्जा नहीं हटाने वालों पर तुरंत मुकदमा लिखा जाए तथा आपूर्ति विभाग की 3 शिकायतें होने पर उन्होंने कड़े शब्दों में पूर्ति निरीक्षक को बताया कि तत्काल संबंधित कोठेदारों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं तथा शेष विभागों से आई शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए उन्होंने जिला अधिकारियों को वार्ता करते हुए बताया कि आने वाले तहसील समाधान दिवस पर यदि किसी भी शिकायत का समाधान नहीं हुआ और प्रार्थी यदि दोबारा समाधान दिवस पर शिकायत लेकर आए तो संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी तथा ग्राम परसा में विद्यालय में 2015 से तैनात वर्षा ओझा अध्यापिका का जिला बेसिक अधिकारी कार्यालय में सांठगांठ के चलते विद्यालय में नियमित नहीं आने के कारण बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है तथा किसानों के द्वारा दिए गए ज्ञापन के आधार पर उन्होंने बताया कि तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में अतिवृष्टि से बर्बाद हुई फसलों का सर्वे कराकर किसानों को हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिलाया। लेकिन हमें तो फॉर्मेलिटी लगती है, हम आज 8 महीने से परेशान है, कोई कार्रवाई से लेखपाल के खिलाफ नहीं हुई है, जबकि हम परेशान है। हमारा कम से कम अब तक 10-5 हज़ार रुपये का पेट्रोल ही खर्च हो गया, आने जाने में किराया खर्च हो गया और लेखपाल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरह से हम ये देख रहे हैं कि चकबंदी के समय में लेखपालों ने लोगों के अक्स कम कर दिए, किसी का रकबा कम कर दिया। आज 40 साल से किसान परेशान है, वो लेखपाल के पास वो आते हैं, वो हदबंदी के लिए तहसील में लेखपाल लोग 15 हज़ार रुपये में हदबंदी करने के लिए जाते हैं। इसके अलावा भी एसडीएम के नाम का पैसा लेते, तहसीलदार के नाम का लेते पैसा, और जमीन किसान को मिलती नहीं है क्योंकि वहाँ जमीन है ही नहीं। बाद में अंत में जब एक पार्टी अगर पैसा देती है तो दूसरे पार्टी के में 10-5 लाख घुसा देते हैं, अगर दूसरा फिर पैसा दे देता है तो कह देते हैं यहाँ जगह नहीं है, समझौता करा देते हैं। आज किसान वैसे 2002 से 27वीं आपदा का शिकार हुआ बुंदेलखंड के टहरौली का, बुंदेलखंड के झांसी जनपद की टहरौली तहसील का किसान 2002 से ये 27वीं आपदा। अगर व्यापारी पान के डिब्बे पर जाता है उसके मुनाफा नहीं होता है तो वह अपना डिब्बा बंद करके बाहर चला जाता है। किसान की मजबूरी है कि किसान घाटे की सौदा होने के बाद भी इस खेती करने को मजबूर है, ताकि मतलब हमारे जनपद में न कि हमारे देश में खाद्यान्न की समस्या ना हो, इसलिए घाटे की सौदा को किसान मजबूरी से कर रहा है। आज डीएम साहब को सुनाया है, क्या आश्वासन दिया डीएम? डीएम साहब ने कहा है लंबादार जल्द से जल्द इसका सर्वे करवा कर क्षतिपूर्ति, संपूर्ण क्षतिपूर्ति दिखाई जाए। अगर कि आप देख रहे हैं कि राजस्व और पुलिस से संबंधित ज़्यादा शिकायतें, हालांकि ग्राम विकास, पंचायती राज, कृषि और विद्युत विभाग से भी लास्ट तहसील दिवस हुआ था उसमें जितनी शिकायतें आई थी उसकी भी हमने समीक्षा की, और जहाँ भी जमीन से संबंधित शिकायतें हैं वहाँ पुलिस और राजस्व की ज्वाइंट टीम बना के भेजा गया है। इसके अलावा समस्त जो लेखपालगण हैं उनको बुला के मैंने स्वयं बताया कि इस बार जो जमीन से संबंधित शिकायतें आ गई वो फिर अगले तहसील दिवस में नहीं दिखेंगी, उसको इफेक्टिवली ज्वाइंट टीम जाके निस्तारण करें। अगर कोई मामला माननीय न्यायालय में है तो उसको छोड़कर बाकी जो भी मामले हैं उनका इफेक्टिव निस्तारण, उसका फसल का सर्वे करवाया जा रहा है, उसका जल्द ही हम सरकार को।